फास्ट फूड कॉर्नर शॉप बिजनेस को सफल बनाने के लिए सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग आइडियाज़ पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है आजकल के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में जहां हर गली मोहल्ले में फास्ट फूड शॉप्स खुल रही हैं अपनी शॉप को अन्य शॉप्स से अलग दिखाना और ग्राहकों को आकर्षित करना एक चुनौती हो सकता है इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने फास्ट फूड कॉर्नर शॉप को मार्केटिंग के माध्यम से सफल बना सकते हैं पहला कदम अपने ब्रांड की पहचान स्थापित करना है यह महत्वपूर्ण है कि आपकी शॉप का नाम लोगो और रंग योजना आपके ग्राहकों को याद रह सके और एक मजबूत छाप छोड़ सके ब्रांड पहचान को स्थापित करने के लिए आप 10 से पंद्रह हजार रुपए का बजट सेट कर सकते हैं जिसमें एक पेशेवर डिजाइनर की सेवाएं और शुरुआती विज्ञापन सामग्री तैयार करवाई जा सकती है एक आकर्षक लोगो और नाम आपके ब्रांड को विशिष्ट पहचान देगा और ग्राहकों की नजरों में एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा दूसरा महत्वपूर्ण कदम सोशल मीडिया पर प्रभावी उपस्थिति बनाना है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सक्रिय रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है इसके लिए आप पंद्रह से बीस हजार रुपये का बजट निर्धारित कर सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल सेटअप नियमित पोस्ट और प्रोफेशनल फोटोग्राफी शामिल हो सकती है अपने फास्ट फूड के चित्र और वीडियो शेयर करें खास ऑफर और प्रमोशन के बारे में जानकारी दें और अपने ग्राहकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें सोशल मीडिया विज्ञापन के लिए भी आप पांच से दस हजार रुपए का बजट निर्धारित कर सकते हैं ताकि आप अपने लक्षित ऑडियंस तक पहुंच सकें इसके अलावा स्थानीय इवेंट्स और फूड फेस्टिवल्स में भाग लेना भी एक शानदार तरीका हो सकता है इन इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए आप 20 से तीस हजार रुपए का बजट तय कर सकते हैं जिसमें स्टॉल की फीस प्रमोशनल सामग्री और मुफ्त सैंपल शामिल हो सकते हैं यह आपके फास्ट फूड कॉर्नर को स्थानीय समुदाय में पहचान दिलाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है आपकी शॉप की भौतिक उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है एक आकर्षक और साफ सुथरी दुकान न केवल ग्राहकों को आकर्षित करती है बल्कि उन्हें आपके ब्रांड के प्रति विश्वास भी बढ़ाती है दुकान के बाहर और अंदर अच्छे से सजावट उचित बोर्ड और आकर्षक प्रचार सामग्री का उपयोग करें इस कार्य के लिए आप पन्द्रह से बीस हजार रुपये का बजट निर्धारित कर सकते हैं जो दुकान की सजावट और प्रचार सामग्री पर खर्च किया जा सकता है ग्राहक सेवा पर ध्यान देना भी बेहद आवश्यक है अच्छी ग्राहक सेवा से ग्राहक न केवल आपकी शॉप पर वापस आएंगे बल्कि आपके व्यवसाय की सकारात्मक समीक्षा भी करेंगे इसके लिए आप कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने पर दस से पंद्रह हजार रुपये का बजट सेट कर सकते हैं खुश ग्राहक आपकी शॉप के लिए मुफ्त में मार्केटिंग का काम करेंगे इसलिए उन्हें अच्छा अनुभव देने की कोशिश करें स्थानीय प्रचार और साझेदारी के माध्यम से भी आप अपनी शॉप की मार्केटिंग कर सकते हैं स्थानीय स्कूलों कॉलेजों और कंपनियों के साथ साझेदारी करके विशेष छूट और ऑफर देने पर विचार करें इसके लिए आप 10 से बीस हजार रुपये का बजट तय कर सकते हैं जिसमें प्रचार सामग्री और साझेदारी की लागत शामिल हो सकती है इससे आपके व्यवसाय को स्थानीय ग्राहकों के बीच पहचान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इन्हीं तरीकों से आप अपने फास्ट फूड कॉर्नर शॉप की मार्केटिंग को प्रभावी बना सकते हैं और अपने व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं सही योजना और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने फास्ट फूड कॉर्नर को एक सफल और लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं दोस्तों बिजनेस के फील्ड में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पाए हर कुछ टाइम में एक नया बिजनेस टिप और आइडिया